सीकर विधानसभा क्षेत्र से रतन जलधारी को टिकट दिए जाने से खफा भाजपा नेता ताराचंद धायल ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता कर दी। इस दौरान धायल अन्य किसी दल से या निर्दलीय चुनाव लड़ने से भी इनकार करते नजर आए। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपनी एक सूची और जारी कर दी है। सूची में लक्ष्मणगढ़ से दिनेश जोशी और फतेहपुर से सुनीता जाखड़ को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इससे पहले फतेहपुर से नंदकिशोर मेहरिया और लक्ष्मणगढ़ से यूआईटी चेयरमैन हरिराम रणवा को भाजपा से टिकट दिए जाने की चर्चा जोरों पर रही। त्रिवेणी धाम के महंत और पद्मश्री नारायण जी दास महाराज का शरीर आज पंचतत्व में विलीन हुआ। इस दौरान देश भर से हजारों लोग और साधु संत उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे। अंतिम यात्रा के दौरान क्षेत्र के बाजार भी पूरी तरह बंद रहे। जिला स्तरीय कैडेट व जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता आज जोन नंबर डिस्पेंसरी के पीछे स्थित ओरिएंटल मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में हुई। सीकर जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ राजस्थान ताइक्वांडो संघ के महासचिव दिनेश अग्रवाल ने किया। सचिव महेंद्र सिंह पवार ने बताया कि प्रतियोगिता में क्रेडिट में प्रो स्टार एकेडमी व जूनियर में ओरिएंटल मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी ने सबसे ज्यादा पदक प्राप्त कर चैंपियनशिप अपने नाम की। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी श्रीगंगानगर में 21 से 23 नवंबर तक होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। संयोजक मेघा पारिक ने बताया कि प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका अभिमन्यु शर्मा, सुनील जांगिड़, अनिल बिजारनिया और भवानी सिंह ने निभाई। निमका थाना के बाद खंडेला में भी कांग्रेस में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। यहाँ केंद्रीय मंत्री रहे महादेव सिंह खंडेला ने कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके लिए आज उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक का आयोजन भी किया। खंडेला कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे।